और कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मजे में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अभी थोड़ा दिन पहले एक दीदी का कमेंट आया था, तो दीदी ने बताया था कि वीडियो बहुत सिंपल तरीके से होती है एडिटिंग और बहुत अच्छी लगती है हमें आपकी वीडियो। तो थैंक यू दीदी मेरी तरफ से आपको, थैंक यू। और एक और दीदी का कमेंट आया था तो उन दीदी ने बोला था कि आपकी हर रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। उन्होंने भी यही बोला था कि आपकी, उन्होंने रेसिपी की तारीफ की थी कि आपकी हर रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से होती है, बहुत आसान तरीके से आप बनाते हो तो हमें समझ में भी जल्दी आ जाता है। तो दीदी उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और इसीलिए आज मैं फिर से दही बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। तो दही बल्ले की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉग में, लेकिन आज फिर से मैं दही बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। और आज भी मैं बिल्कुल झंझट वाली रेसिपी नहीं लेके आई हूँ, बिल्कुल जैसे दाल से बनाना, उड़द दाल गलाओ, चावल गलाओ, ये गलाओ, वो गलाओ, वो नहीं लेके आई हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से सूजी के ही दही बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप सबसे मेरा, सब जो भी दोस्त मेरे नए हैं चैनल में जुड़े हुए हैं, पुराने हैं, सब दोस्तों से मेरे हाथ जोड़ती हूँ मैं और बोलती हूँ कि मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दही बल्ले की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज शाम को मैंने दही काई में जमाया है। तो देखिए केन में दही जमा लिया है, कोई तपेली में जमाता है, कोई काई में जमाता है, कोई मिट्टी के बर्तन में जमाता है। तो भाई मैंने देखी प्लास्टिक के बर्तन में जमा लिया है और ये केन में, जो तेल की केन रहती है, इसमें दही जमा लिया है। तो दही आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा जमा है मेरा दही। और ये मैंने है ना रात में सोए थे ना उस टाइम पे जमा के रखा है। तो देखिए अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे कि कितना अच्छा दही जमा है हमारा। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से दही जमा है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। देखिए हाथ पे लेके भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से जम के तैयार हुआ है हमारा दही। और ये है ना, मैं जब शाम को रात में सोने का टाइम हुआ था ना, उसी टाइम पे मैंने दूध गर्म किया था और फिर दही डाली थी इसमें, तो केन में ही डाल दिया था। और भाई इतने अच्छे से दही जमा है तो फिर क्यों ना रेसिपी बनाई जाए। तो देखिए फ्रेंड्स सारी दही हमने निकाल ली है और इतनी दही हमारी जम के तैयार हुई है ये केन के अंदर। और फ्रेंड्स देखिए थोड़ा बहुत पानी था दूध में तो थोड़ा सा पानी निकला है हमारा, बाकी दही बहुत अच्छे से जम गई है। तो इसी दही के हम बनाएंगे दही बल्ले। देखिए फ्रेंड्स थोड़ी सी दही मैंने इस तपेली में निकाल ली है, तो इस दही को पहले हम फेंट लेते हैं। तो ये मैंने केक का घोल तैयार करने वाला ले लिया है, तो इससे फेंट लेती हूँ पहले मैं दही को। हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है। और ये जो सूजी है हमारी, ये सूजी 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम सूजी हम सब डाल देंगे क्योंकि ये हम लोगों के लिए ही नहीं बना रहे हैं, मम्मी के यहाँ पे भी दूंगी, इसलिए मैंने 500 ग्राम सूजी ले लिए। और अब इसका घोल तैयार कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स सूजी हमारी तैयार हो गई, तो इसमें नमक डाल देते हैं। तो एक चम्मच नमक डाला है मैंने और अब मिला दूंगी। और आप चाहो तो इसमें अदरक लहसुन भी पीस के डाल सकते हो, अदरक लहसुन भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला। आपको अगर फ्लेवर के लिए चाहिए तो अदरक लहसुन डाल सकते हो। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक के साइड में रख देंगे। ये यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है, तो ये जीरे को सेक लेंगे हम। फ्रेंड्स जीरा हमारा पीस लेते हैं। और ये है ना मैं बड़े मिक्सी जार में पीस रही हूँ क्योंकि ये मेरा जो छोटा मिक्सी जार है ना, इसकी देखिए अंदर का जार खराब हो गया, ये टूट गया, इसलिए बड़े में पीस रही हूँ। तो ये सेका हुआ जीरा पीस लेते हैं, पीस लिया है मैंने। अब इसको एक कटोरी के अंदर निकाल देते हैं।
तो ये है ना बारीक, तो क्या थोड़ा दरदरा है, क्योंकि दरदरा रहता है ना तो अच्छा रहता है। तो देखिए इस टाइप से पीस लिया है। तो जीरा पीसने के बाद अब हम धनिया के, हरे धनिया की चटनी बना लेंगे। तो ये देखिए हरा धनिया मैंने धो लिया है। चटनी की रेसिपी नहीं दूंगी फ्रेंड्स आज, क्योंकि हरे धनिया की चटनी की रेसिपी मैंने दे रखी है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारे बेटर को। तो ये देखिए सूजी हमारी फूल गई है। अब इसमें डाल देंगे हम ये सोडा। देखिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा डाल दूंगी पानी। पानी पहले बिल्कुल भी नहीं लिया था हमने, बस ये अभी डाला है थोड़ा सा। पहले हमने दही में ही इसको घोल तैयार किया था। ये गैस को मैंने नीचे उतार लिया है, कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में तेल रख दिया है। और अब तेल हमारा गरम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम दही बल्ले बनाएंगे। और देखिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है, बैटर हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स तेल हमारा गरम हो गया अच्छे से, तो अब हम दही बल्ले बनाते हैं। तो यहाँ पे दही बल्ले में आप बड़ी छोटी साइज जैसे आपको पसंद हो आप कर सकते हो। मैं ज्यादा बड़े नहीं ज्यादा छोटे नहीं मीडियम बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स दही बल्ले हमारे कितने अच्छे से फूल गए हैं। और अभी है ना हमने पूरी तरह से ये सीके नहीं है, गोल्डन नहीं हुए हैं, तो इनको गोल्डन करने हैं हमें। और देखिए गैस की चाल बिल्कुल मीडियम कर रखी है हमने, तो मीडियम आंच पर इनको सेकेंगे ना तो बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगेंगे ये, क्योंकि ये सूजी के हैं। तो इनको मीडियम आँच पर सेकेंगे हम और गोल्डन फ्राई करेंगे इनको। तो देखिए फ्रेंड्स गोल्डन फ्राई हो गए हमारे दही बल्ले, तो अब इनको निकाल लेते हैं हम। इसी तरीके से हम दूसरे भी बना लेंगे। और देखिए एक गिलास में मैंने पानी ले रखा है, तो ये पानी में हाथ गीला कर लेती हूँ मैं एक बार, और उसके बाद फिर बनाती हूँ। तो इनकी साइज है ना एकदम गोलाई में आती है। तो देखिए फ्रेंड्स सारे ही दही बल्ले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो देखिए निकाल लिए हैं। फ्रेंड्स अब प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमने पानी गरम कर लिया है, तो ये हल्का गुनगुना पानी गरम किया है हमने, ये देखिए ज्यादा गरम नहीं किया है। तो देखिए फ्रेंड्स पानी में डाल दिए थे हमने हमारे दही बल्ले, और अब प्लेट में सर्व करेंगे। तो सबसे पहले डाल देंगे हम दही, और दही है ना थोड़ी थोड़ी डालूंगी क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूंगी। दही बल्ले में तो दही ज़्यादा डालते हैं, लेकिन इस प्लेट में मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि ये प्लेट जिसके लिए लग रही है वो दही ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते इसलिए। तो देखिए दही डाल दिया है, हरे धनिया की चटनी डाल दी, इमली की चटनी डाल दी है। तो ये हो गई है हमारी तीन ही चटनी। तीन ही चटनी क्या, एक तो दही हो गया है, एक धनिया की चटनी, इमली की चटनी, और फिर डाल दिया है मैंने काला नमक, सेंधा नमक। और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ये देखिए फ्रेंड्स जीरा पाउडर डाल दिया हमने, जो जीरा भून के रखा था ना वो जीरा डाल दिया, और फिर लाल मिर्ची डाल दी थी। तो बस इस तरह से सारे मसाले डाल दिए थे। और ये देखिए एक प्लेट में मैंने दही ज़्यादा डाला है और एक प्लेट में कम डाला है, तो ये दोनों ही प्लेटें हमारी तैयार हो गई है। और दही बल्ले खाने के बाद में देखिए गेहूँ आ गए थे, तो ये ना अभी गेहूँ मंगाए हैं, गेहूँ ख़त्म हो गए थे तो गेहूँ मंगाए हैं, तो ये है ना बिने बिनाए हैं, बिनना नहीं है इनको। और उसके बाद फिर गेहूँ जमाने के बाद में फिर हस्बैंड जी ने जमाए थे गेहूँ, उसके बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो दही बल्ले बोलते हैं ना कुछ भी बनाओ तो बस बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो मेरे भी बर्तन बहुत ज़्यादा निकल गए। तो पहले बर्तन साफ़ कर लिए थे, और बर्तन साफ़ करके ही जब तक तरबूज निकाल लिया था बच्चों ने, भावना ने निकाला था तरबूज फ्रिज में से, इसके पापा आज घर पे ही थे तो इसके पापा ने बोला कि तरबूज काट लो भावना। तो देखिए
फ्रेंड्स अब खाना बनाएंगे। अब हो गया है खाने का टाइम, तो अब बोल रहे हैं सबके भूख लग रही है, तो बस अब खाना बनाएंगे। तो खाने में मैं आपको बता देती हूँ कि आज है ना घर में सब्जी कुछ भी नहीं है, तो हरी सब्जी आज कुछ भी नहीं है क्योंकि हस्बैंड जी मंडी गए नहीं थे तो सब्जी लेके नहीं आए, तो आज कुछ भी सब्जी नहीं है। तो आज हम बनाएंगे बेसन से सब्जी, और वो भी नई तरीके से। तो जब कोई सब्जी समझ में नहीं आती है घर में तो थोड़े से बेसन में काम चल जाता है, जैसे बेसन भिंडी, बेसन गट्टे, पतोड़ ये सब हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बेसन ज़्यादा लगता है, पर जो मैं आज सब्जी बनाऊंगी उसमें कम बेसन से भी काम चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो देखिए बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने इसी में लहसुन भी ले ली है, प्याज कट कर लिया, हरी मिर्ची कट कर ली है। तो लहसुन प्याज और हरी मिर्ची मैं एक साथ में पीस लूँगी, और ये लहसुन है ना हरी मिर्ची के नीचे आ गई, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स बेसन ले लिया है मैंने, और बेसन में अब हम मसाले डाल लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा डाल रही हूँ जीरा, थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, दिया मैंने कढ़ाई में तेल, हमारा गर्म हो गया है। तो देखिए प्याज लहसुन हमने पीस लिए हैं, और है ना ये अभी मैंने छोटे वाले जार में पीस लिया है, खराब तो हो गया है लेकिन प्याज लहसुन में काम आ जाता है। तो देखिए ये हमारे प्याज लहसुन गोल्डन कलर के हो गए हैं, तो मसाले डाल देंगे। तो ये डाल रही हूँ मैं लाल मिर्ची, और ये ना कलर के लिए डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे क्या कलर आ जाएगा। नमक डाल रही हूँ, और ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मसाला हमारा तैयार होता है जब तक हम ये बेसन तैयार कर लेते हैं। तो इसमें देखिए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे हम, ज्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी। मसाला हमारा तैयार हो गया है, तो अभी ये जो बेसन हमने तैयार किया था ना ये डालेंगे। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, नहीं तो मसाला जल जाएगा। देखिए खाने में भी बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, और ज्यादा मेहनती भी नहीं रहती, मेहनत नहीं लगती ज्यादा। देखिए फ्रेंड्स सब्जी हमारी बन गई है, देखिए। तो अब इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, ये गरम मसाला डाल दिया है हमने, और गैस को बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स जैसे मूंग की बड़ी, चावले की बड़ी रहती है ना, बस उसी तरीके से दिखती है ये सब्जी, और खाने में तो इतनी अच्छी लगती है ना। देखिए अब हरा धनिया डाल देंगे, तो देखिए फ्रेंड्स अब खाना खा लिया है, और अब चलिए वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में। और आज के दही बल्ले आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।